हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे हम लोग जो वीडियो है वो सारे टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। काउंसलिंग है, मार्क्स है, कट ऑफ है, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है और काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, फॉर्म की डेट वगैरह, एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ स्ट्री वैकेंसी राउंड जो है उसकी कट ऑफ कितनी रही है, सभी कैटेगरीज के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी अगर हम लोग बात करें ओपन कैटेगरी की, तो इसकी जो AIR रही है वो रही है 19,742 यानी 19,742 और मार्क्स रहे हैं 598। ठीक है, 598 मार्क्स यहाँ पे रहे हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो 19,867, 19,867 और मार्क्स जो रहे हैं वो रहे हैं 597। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में 90,756 और जो मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 598 के आसपास। अगर SC की बात करें तो SC में 1,03,124, 1,03,124 और मार्क्स रहे हैं 480। और ST कैटेगरी की बात करें तो 1,24,032 और मार्क्स रहे हैं 459। तो ये स्ट्री वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है आपकी डिफरेंट कैटेगरीज की, वो कट ऑफ ये रही है। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो जैसे मोपअप राउंड, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग मोपअप राउंड हुआ है, उसके बाद में भी कुछ सीट्स अगर खाली रहती है तो वो सीट्स आपकी वापस ऑल इंडिया कोटा के अंदर चली जाएंगी और उसके लिए आपका स्ट्री वैकेंसी राउंड 2 भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक आध मार्क्स का फर्क और आ सकता है अगर सीट्स खाली रहती है तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर सीट्स खाली नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ डिस्कस किया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे हो, आगे भी आपको इस टाइप के वीडियो चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स दूंगा और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोज़ भी बना दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू गाइज।